नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। हम देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। ये जातिवाद नहीं है, जिसके जितनी आबादी उसका उतना हक। ये जातिवाद नहीं है, देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। ये जातिवाद या सांप्रदायिकता नहीं है। राहुल गांधी चुनावों में कहते फिर रहे हैं कि सबको पैसा मिलेगा खटाखट। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1,00,000 रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। कोई पूछे कि पैसा कहां से आएगा तो कह रहे हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। वाह, क्या प्लान है राहुल जी, इसका मतलब समझते हैं आप? एग्जांपल से समझाते हैं। सोचिए, आपके दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त एक ही गांव में पैदा हुए। एक पढ़ने में बड़ा तेज और दूसरा बिगड़ैल नशेबाज। एक ने पूरी जिंदगी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, फिर अपना बिजनेस किया, शहर में मकान बनाया, प्रॉपर्टी खड़ी की। एक के बस दो ही बच्चे हैं, लेकिन वही दूसरा दोस्त जिसने कुछ काम नहीं किया, उसके 6 बच्चे हैं। अब राहुल गांधी के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान सुनिए। वो देखेंगे कि ओह, दूसरा वाला तो बेचारा गरीब है, लेकिन पहले वाले के पास तो बस दो ही बच्चे हैं और उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो राहुल गांधी पहले वाले की संपत्ति छीनकर दूसरे के बच्चों में बांट देंगे। अब इसे और अच्छे से समझिए। जो लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनकी सारी मेहनत की कमाई बांट दी जाएगी ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में। लेकिन ये तुष्टिकरण सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी कह दें संपत्ति पर हक मेहनत करने वालों का है, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अगर वो याद दिला दें कि संविधान में कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, तो मोदी जी सांप्रदायिक हैं। वाह भाई वाह। एक तरफ वो कांग्रेस जिसने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन कभी गरीबी को हटने नहीं दिया, और जो आज भी अपने फायदे के लिए देश को जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, जो बिना किसी धर्म या जाति को देखे सबके सशक्तिकरण की योजनाएं बनाते हैं, ताकि लोग पैसा खैरात में नहीं लें बल्कि हक से कमाएं। आपको क्या लगता है, क्या मिलना चाहिए लोगों को, खैरात या हक? आप कमेंट करके जरूर बताएं।